Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we are going to start our new chapter, that is urinary system. And today we will study about the anatomy, general anatomy of urinary system or excretory system you can say. Now urinary system is also known as renal system. इसे renal system भी कहते हैं. Urinary system में वो स्ट्रक्चर्स आती हैं जो कि यूरिन को प्रोड्यूस करती है, कंडक्ट करती है और उसको एक्सक्रीट आउट करवाती है. एक्सक्रीशन ये पॉइंट तक लेकर के जा रही हैं उस यूरिन को और उसको प्रोड्यूस कर रही है. वो सारे स्ट्रक्चर्स यूरिनरी सिस्टम में अपन पढ़ते हैं. यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं. किडनी, दो किडनीज ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है और दो यूरेटर्स, जबकि यूरिनरी ब्लैडर एक और यूरेथ्रा एक पाया जाता है. वही जैसा आपको पता है अपन हमेशा पहले जनरल क्लास ही पढ़ते हैं हर एक सिस्टम की, तो जनरल क्लास ही अपनी चल रही है. तो ये यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम देखिए भाई. ये इन्फीरियर वेना कैवा, ये दो किडनीज बताई गई हैं जिसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड है. ये एओर्टा है इनको सप्लाई करने वाली. ये किडनी दोनों जो हैं वो दो यूरेटर के अंदर खुल रही हैं. दोनों यूरेटर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं जिसको आप ब्लैडर कह रहे हैं, और ये ब्लैडर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है जिसको आप यूरेथ्रा कहते हैं. किडनी, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो पेयर्ड किडनी पाई जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट. किडनी की फंक्शनल यूनिट को आप नेफ्रॉन कहते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी यूनिट जिसे वो फंक्शन करती है किडनी, वो नेफ्रॉन कहलाती है. ये नेफ्रॉन ही जो है वो यूरिन को बनाता है. अब किडनी की लोकेशन वगैरह, तो रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में ये है. लेटरली आप देखोगे तो T12 से लेकर L3 तक ये फैली हुई रहती है. थोरैक्स से लंबर, 12th थोरैसिक से 3rd लंबर तक ये है, या वर्टिब्री तक आप है, लंबर वर्टिब्री तक. एवरेज किडनी 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर थिक होती है. डायग्राम में आप देख सकते हो T12 से लेकर L3 तक उसको बताया गया कि ये फैली हुई है. अब तीन कनेक्टिव टिश्यूज़ के लेयर से ये प्रोटेक्टेड रहती है. उन लेयर्स का नाम है रीनल फेशिया, एडिपोज कैप्सूल, रीनल कैप्सूल. रीनल फेशिया एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है, एडिपोज कैप्सूल किडनी पर फैट के कुशन, किडनी ओवर फैट का कुशन बनाती है, उसको आप एडिपोज कैप्सूल, एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यू फैट के टिश्यू कहते हैं अपन. और रीनल कैप्सूल एक फाइब्रस सैक है जो कि किडनी को ट्रॉमा या इन्फेक्शन या ट्रॉमा और इन्फेक्शन से बचाता है. ये किडनी की स्ट्रक्चर देखिए भाई, दो पार्ट होते हैं, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला पार्ट. दोनों ये जो एंड के बीच में हाइलम स्ट्रक्चर बताई गई, और ये रीनल के साइनस हैं. यहाँ इलैबोरेट करके इस कॉर्टेक्स को दिखाया गया, अंदर की तरफ ये मेड्यूला है और उसके इस पूरे के चारों तरफ रीनल कैप्सूल है. ये माइनर और मेजर कैलिक्स बताए गए हैं, जो ब्रांचेस निकल रही है छोटी वाली माइनर और थोड़ी बड़ी वाली जो है वो मेजर कैलिक्स है. ये रीनल कॉलम है और फिर रीनल पिरामिड, पिरामिड के बीच बीच में कॉलम आ रहे हैं. ये रीनल पैल्विस का पार्ट है, ऊपर रीनल पैपिली, और ये जो रीनल पैल्विस का पार्ट जो खुल रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में उसको आप यूरेटर कह रहे हैं. किडनी की ग्रॉस एनाटमी देखें तो रीनल पैरेन्काइमा और रीनल साइनस दो स्ट्रक्चर होती है, रीनल पैरेन्काइमा और रीनल साइनस. रीनल पैरेन्काइमा में दो जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स जोन और इनर मेड्यूला जोन, जो अपन स्ट्रक्चर में देखे थे. ये देखिए ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला बहुत क्लियरली दिखाए गए हैं, बाहर कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेड्यूला. फिर बाकी ये छोटी छोटी और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, रीनल साइनस है, रीनल पैपिला है, रीनल कैप्सूल जो पूरे इस रीनल को कवर किए रखता है. ये रीनल लोब्स बताए गए हैं, वही ब्रांचेस, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, से नाम सारे आ गए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है. सुपरफिशियल आउटर कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेड्यूला, ये दो स्ट्रक्चर अपन ने कहा. मेड्यूला में 6 से 18 रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, कॉनिकल शेप के रीनल पिरामिड्स ये. और जो कॉर्टेक्स है वो रफली 1.25 मिलियन नेफ्रॉन से बना होता है. 1.25 जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें लगभग 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. अब रीनल पैरेन्काइमा में रीनल पिरामिड्स होते हैं,
ये कॉर्टेक्स इसमें क्या होता है, ये रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन है जिसको आप रीनल कॉलम्स भी कह सकते हैं, जो कि मेड्यूला को डिवाइड करके रखते हैं 6 से 10 रीनल पिरामिड में। पिरामिड और ओवरलैपिंग कॉर्टेक्स को एक साथ मिलाकर के अपन लोब कहते हैं, और पिरामिड के पॉइंट को अपन पैपिला कहते हैं। ये ध्यान से पढ़िए भाई, पैपिला क्या है, पॉइंट, पिरामिड का पॉइंट, और लोब क्या है, पिरामिड और उसके ऊपर का कॉर्टेक्स, एक साथ लोब कहलाते हैं। पैपिला जो है वो एक कप में रहता है जिसको आप माइनर कैलिक्स कहते हैं, और 2 से 3 माइनर कैलिसेस मिलकर के मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और 2 से 3 मेजर कैलिसेस मिला करके रीनल पैल्विस बनता है। रीनल पैल्विस में सारे रीनल पैल्विस मिलकर के यूरेटर बनाते हैं, यूरेटर में खुल रहे हैं। ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में ये चीज़ समझाई गई है, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ये बहुत अच्छे से बताई गई है कि हम रीनल पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं जिसमें रीनल पिरामिड्स आते हैं। रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन होते हैं जो कि मेड्यूला को 6 से 10 रीनल पिरामिड में डिवाइड करके रखते हैं। पिरामिड और उसके ऊपर के कॉर्टेक्स को आप लोब कहते हो, पिरामिड के पॉइंट को आप पैपिला कहते हो। पैपिला कप में फंसा हुआ बैठा हुआ रहता है जिसको आप माइनर कैलिक्स कहते हैं, 2 से 3 माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स बनाते हैं, 2 से 3 मेजर कैलिसेस रीनल पैल्विस बनाते हैं, रीनल पैल्विस मिलकर के यूरेटर बनाते हैं। अब रीनल साइनस क्या है, रीनल पैरेन्काइमा के द्वारा सराउंडेड रहता है। रीनल पैरेन्काइमा की ये सारी स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़ी, और रीनल पैरेन्काइमा किसको सराउंड करके रखता है, रीनल साइनस को, जिसके अंदर ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स और यूरिन को कलेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होती है हाइलस, वो दो ऐसे बीन शेप की स्ट्रक्चर के बीच का जो पार्ट है वो हाइलस, ये कॉनकेव शेप का होता है, इसमें वेसल्स और नर्व एंटर और एग्जिट करते हैं, यहीं से घुसते यहीं से निकल रही हैं, एंटर एंट्री और एग्जिट साइट है वेसल्स और नर्व्स की। मेजर और माइनर कैलिसेस जो है वो अलोंग विद द पैल्विस, पैल्विस के साथ में मेजर माइनर कैलिसेस क्या करते हैं, यूरिन को यूरेटर में ड्रेन करने का काम करते हैं। अब ये किडनी का एंटीरियर व्यू दिखाया गया है, फ्रंटल सेक्शन का एंटीरियर व्यू। स्ट्रक्चर मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, वही नाम बार 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 आ रही है। रीनल साइनस क्या चीज़ है, अपन ने इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। पिरामिड क्या होता है, माइनर कैलिक्स क्या है, मेजर कैलिक्स क्या है, रीनल लोब किसको कहते हैं, तो कॉर्टेक्स जो पिरामिड को कवर किए हुए रहता है ना, वो पूरा एक साथ लोब कहलाता है। तो इन्हें जो अपन ने अभी भी डेफिनेशन सबकी पढ़ी उनके साथ इस डायग्राम को देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब रीनल के ब्लड सप्लाई देख लीजिए भाई, एरक्वेट, आर्टरी और वेन बताई गई है। ये मेड्यूला कॉर्टेक्स का पार्ट है जिसमें सब सप्लाई कर रही हैं, ये रीनल वेन आर्टरी इससे घुस रही हैं, किससे, हाइलस पार्ट से, एंट्री और एग्जिट साइट होती है ना, ये इंटरलोबर आर्टरी और वेन दिखाई गई है जो लोब्स के बीच में से आ जा रही हैं, और ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी और वेन उसके ऊपर बताई गई है। अब नेफ्रॉन्स किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स हर किडनी में पाए जाते हैं। इन नेफ्रॉन्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल, ये 3 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, ब्लड वेसल्स, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। ब्लड वेसल्स जो किडनी को सर्व करती है, तो कैसे भाई, ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती है, आपका ये कैपिलरी का पूरा एक नेटवर्क पाया जाता है। ये कैपिलरी ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का काम करती है जिससे कि यूरिन बनना शुरू होएगा। जब ब्लड ग्लोमेरुलाई में आकर इस कैपिलरी नेटवर्क के द्वारा छनता है तो यूरिन बनना शुरू होता है। फिर जब वो छन रहा है तो उसके फिल्ट्रेट के अंदर ना तो सेल्स होती है ना प्रोटीन्स होते हैं, ये केवल लिक्विड पार्ट है जिसमें ना सेल है ना प्रोटीन है। अगर सेल और प्रोटीन उसमें मौजूद होते हैं तो वो किसी रीनल डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। प्रोटीन अगर मौजूद होगा तो यूरिन में प्रोटीन मौजूद होगा, कंडीशन कहलाएगी प्रोटीन्यूरिया। सेल जैसे RBC वगैरह मौजूद होगी तो कहलाएगी कंडीशन हीमेट्यूरिया वगैरह। पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह प्रेजेंट होंगे तो कंडीशन कहलाएगी हीमोग्लोबिन्यूरिया। तो ये छन गया, छन करके ये ड्रेन्ड होता है इफ्रेंट आर्टरियोल के द्वारा। इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, रीनल वेन वगैरह का रोल होता है। अब ये एफ्रेंट आर्टरियोल से तो आया ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी में छपना और इफ्रेंट आर्टरियोल द्वारा वापस ड्रेन होकर के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है और रीनल वेन से वापस चला गया।
और जब ये छन रहा है तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन और एक्सक्रीशन, ये चार फंक्शन चलते हैं अलग अलग जगहों पर। ये ग्लोमेरुल कहाँ पर है? बॉमेंस कैप्सूल में है। तो बॉमेंस कैप्सूल से आगे जाते हुए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग फंक्शन बताएंगे। फर्स्ट फंक्शन के यहाँ से जब कैपिलरी से निकल करके बॉमेंस कैप्सूल में आया तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चला। सेकेंड में रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें कोई जरूरी जो चीज़ें हैं वो वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चली जाएंगी, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से कुछ चीज़ें जो है वो वापस इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आएगी। थर्ड पार्ट इसको सीक्रीशन कहेंगे, और फोर्थ में ये सारी चीज़ें जो वेस्ट सबस्टांसेस है वो बाहर निकल जाएगा, यानी यूरिनरी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में फिल्ट्रेशन में से रीअब्जॉर्प्शन प्लस सीक्रीशन को फिल्ट्रेशन में से माइनस करोगे तो जो चीज़ बने बचेगी वो एक्सक्रीशन कहलाता है। अब रीनल कॉर्पसल्स, ये ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल से मिलकर बना होता है। रीनल कॉर्पसल्स नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन की स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर को कहते हैं। नेफ्रॉन यहीं से शुरू हो रहा है। ये नेफ्रॉन्स का इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। बस इसके साथ आपकी ये सारी स्ट्रक्चर ख़त्म। अभी नेफ्रॉन्स की वैसे तो स्टार्ट हुई है, जिसमें रीनल कॉर्पसल्स अपन ने पढ़ा है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप काफ़ी सिंपल भाषा में इसके अंदर मैंने आपको पूरा पूरा टॉपिक समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अपने CR को जो है सीधा WhatsApp करिए, मेरे पास आपके डाउट्स पहुँच जाएंगे, क्वेश्चन पहुँच जाएंगे, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।